सो हेलो एवरीवन, इसके पहले पार्ट में देख लिया ट्रेंड लाइन के ऊपर, दूसरे पार्ट में हमने देख लिया सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। अब हम फाइनली पार्ट थ्री में आ गए, जो कि एक एडवांस रेंज होने वाली है बिगनर से लेकर एडवांस तक। तो आज का सेशन एडवांस होने वाला है, जिसमें हम लोग ट्रेंड लाइन प्लस वैल्यू ऊपर बात करेंगे, ट्रेंड लाइन प्लस वैल्यू के साथ हम ट्रेड कैसे करते हैं। एंड यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने पहले पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा तो पहले इस वीडियो को पॉज करके लाइक करके छोड़ दो, एंड पहले पार्ट वन पार्ट टू को देखो, फिर पार्ट थ्री में देखना जो कि ये वीडियो होने वाला है। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज नहीं है, ये सीरीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड यहाँ पर मेरी बहुत मेहनत लगी है, मैंने बहुत कुछ लिखा है कि नहीं यार ये बताना आपको कवर करना, ताकि मैं भूल ना पाऊँ। ओके, तो वीडियो लंबे लंबे होने वाले हैं, तो वीडियो को नोट्स बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। एंड मेरे को इंस्टाग्राम में टैग कर देना जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो इंस्टाग्राम टैग कर दो, ताकि मुझे लगे जो मैं सीरीज बना रहा हूँ आपको वाकई यूजफुल लगती है। तो पहले पार्ट वन देखो, पार्ट टू देखो, फिर पार्ट थ्री जो वीडियो होने वाला है, एंड इसके बाद पार्ट फोर में भी मिलेंगे। ओके, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियांशु उत्तम, मैं पिछले 2 साल से क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। सो मिलते हैं वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइसन सीरीज थर्ड, जो कि वैल्यूम प्लस ट्रेड लाइन के ऊपर होने वाला है। अब पहले इसके वीडियो में सबसे पहले पार्ट हमने बताया कि आपको ट्रेड लाइन से कैसे ट्रेड लेना है, फिर दूसरे पार्ट में बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस से कैसे ट्रेड लेना है। अब फाइनली तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं कि हाँ, ट्रेड लाइन प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस वैल्यूम, यानी कि ट्रेड लाइन प्लस वैल्यूम ज्यादातर हम लोग कैसे ट्रेड लेते हैं। एंड ये मैं खुद यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पार्ट वन से पार्ट टू पार्ट थ्री अगर नहीं देखा पार्ट वन, तो पहले वो जाकर देखो, उसको वॉच लिस्ट में डाल दो। तो यहाँ पर पहले पार्ट वन देखना, फिर पार्ट टू देखना, फिर आपको पार्ट थ्री देखना, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा कोई नहीं कि इंडिविजुअल वीडियो है, क्योंकि बिगनर से लेकर बिल्कुल एडवांस तक सीरीज होने वाली है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो जाकर देखो, फिर इसको देखना, तो आपको ज्यादातर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रेंड लाइन, जो मैंने बताया ट्रेंड लाइन क्या होता है इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट वन में, फिर वैल्यूम। अब ट्रेंड लाइन प्लस वैल्यूम को हम लोग मिस करके कैसे ट्रेड लेते हैं, एंड ये बहुत अमेजिंग चीज है, मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगा कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट मिल जाए हम लोगों को, एंड बड़े बड़े प्रॉफिट इसी से होते हैं। अब देखो, पहले हम बात कर लेते हैं वैल्यूम का मतलब क्या होता है। देखो, वैल्यूम का सिंपल सा मतलब होता है, सपोज करो वैल्यूम मतलब क्या होता है, वैल्यूम मतलब कितने लोग हैं, कितने बायर है, कितने सेलर। अब सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक बायर है, एक सेलर है। अब क्या है, एक ये आदमी है जो बायर हमेशा बाइंग करता है, एक ये आदमी जो हमेशा सेल करता है। अब एक चीज देखना, हमेशा बायर अब जो है वो केवल ट्रेंड लाइन से ट्रेड लेता है, केवल से केवल ट्रेंड लाइन, और सेलर जो है वो ट्रेंड लाइन प्लस वैल्यूम से ट्रेड लेता है। अब किसको ज्यादा बेनिफिट होगा, चलो देख लेते हैं इसको बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो बायर है, जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ बाइंग में उसने ट्रेड ले लिया, सेलर है ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ ट्रेड नहीं लिया, उसने वैल्यूम चेक किया कि कितने लोग सेल कर रहे हैं। तो जो जितना ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं, इसका मतलब ज्यादातर ज्यादा मार्केट में ज्यादा वैल्यूम है, ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं, इसका मतलब मार्केट ज्यादा नीचे जाएगा। बायर जो बाई कर रहा है बार बार, वो ट्रेंड लाइन तो ब्रेक कर दिया, मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर तो जाना ही जाना है, बट कितना ऊपर जाएगा वो गारंटी नहीं है। सेलर को पता है कि हाँ 1:2 तो मुझे को मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूम है। तो अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं, वहां पर और आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, संभल को दो सेलर हैं, एक बंदा है एक दूसरा बंदा है। अब यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा, एक बंदा केवल ट्रेंड लाइन यूज करता है, एक बंदा ट्रेंड लाइन प्लस वैल्यूम यूज करता है। अब क्या हुआ कि दो ट्रेड मिले दोनों को, क्योंकि दोनों सेलर है, तो दो ट्रेड मिले शॉर्ट साइड। अब क्या हुआ कि एक बंदा केवल ट्रेंड लाइन ट्रेड करता है, बंदा वन, बंदा टू जो है अपना ट्रेंड लाइन प्लस वैल्यूम से बेट करता है। अब क्या होगा कि जो पहला बंदा है वो जब ट्रेड करेगा तो ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगी एंट्री ले लिया, दो ट्रेड मिले उसको, तो एक में एक ट्रेड हुआ उसमें एंट्री ले ली पहले बंदे ने, क्योंकि उसने टेबल ट्रेंड लाइन देखा, दूसरे बंदे में एंट्री नहीं ली। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि यार ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हुआ है बट इसमें वैल्यूम नहीं है, यानी कि ज्यादा वैल्यूम नहीं। अभी मैं दिखाऊंगा वैल्यूम क्या होता है, वैल्यूम कैसे एनालिसिस करते हैं। ओके, अभी समझो वैल्यूम नहीं है, यानी कि ज्यादा लोग नहीं है सेल करने के लिए, तो मार्केट वापस आ सकता है, सेलर के ज्यादा फेयर में नहीं है, तो इसने ट्रेड नहीं लिया, इसने ब्रेक में ट्रेड ले लिया, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, फिर मार्केट पुल बैक होकर वापस आ गया एंड इसका स्टॉप हिट हो गया, या फिर 1:1 हुआ, स्टॉपस नहीं बोलेंगे, 1:1 तक गया मार्केट, फिर वापस आ गया, तो इसको कम प्रॉफिट हुआ 1:1, बट सेलर ने ट्रेड ही नहीं किया, आप सोचो इसको प्रॉफिट ही नहीं हुआ। अब क्या हुआ, दूसरा ट्रेड हुआ, दूसरे ट्रेड में फिर वही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, इसने ट्रेड ले लिया। अब इसने देखा कि ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गया प्लस वैल्यूम भी बहुत अच्छा खासा है, बहुत अच्छा खासा है, तो इसने इतना पता लग गया कि हाँ 1:3 तक, 1:4 या 1:2 से ज्यादा तो मार्केट जा सकता है, बट इसने 1:1 बुक किया था, तो इसको लगा कि नहीं 1:1 भी जाएगा, क्योंकि उसको वैल्यूम तो आता नहीं देखना कितना मार्केट जाएगा, इसके मन में आया कि 1:1 तक ही जा सकता है मार्केट, तो 1:1 कैसे हो गया, मार्केट ने बुक किया, बट इसने वेट किया कि वैल्यूम ज्यादा है तो इसमें होल्ड करेंगे, वैल्यूम बढ़ता जा रहा है और होल्ड किया, तो इसको 1:4-5 ज्यादा टारगेट अचीव हो सकता है। तो आखिरी में विनर कौन हुआ, दूसरा बंदा, जिसने ट्रेंड लाइन प्लस वैल्यूम, प्रॉफिट दोनों को हुआ, पहले वाले बंदे को भी हुआ दूसरे वाले बंदे को हुआ, बट ज्यादा प्रॉफिट हुआ दूसरे वाले बंदे को जिसने वैल्यूम के साथ ट्रेड किया। अब यहां पर देखो, अब कुछ मेरा ट्रेड है,
इथेरियम के ऊपर जो कि चल रहा है। यहाँ पर मैंने 50% क्वांटिटी निकाल दी, अगर ये देखें ओपन ऑर्डर पोजीशन में तो $43 चल रहा है, 3500 प्रॉफिट चल रहा है। एंड यहाँ पर मैं अगर मैं ट्रेड हिस्ट्री में जाऊँ तो यहाँ पर $53 मैंने ऑलरेडी बुक कर रखा है। एंड ये $32, $9 और ये सब आपको $3,200 ये जो है ये पहले के ट्रेड है। तो आज का ट्रेड जो है आज का ट्रेड केवल ये, तो पिछले 7 दिन से तो मेरे डायरेक्ट प्रॉफिट ही हो रहे हैं, सेल हो ही नहीं रहा है, इसलिए अकाउंट डबल से ट्रिपल होने वाला अकाउंट। तो चलो उसकी बात छोड़ते हैं, $53 अगर देख लो आप। एंड यहाँ पर अभी मैंने जस्ट इथेरियम के ऊपर 50% क्वांटिटी निकाल दी, तो 53 USDT हो गया क्योंकि 1:2 हो गया था, 50% मैंने निकाल दी। ओके, एंड इसका वेट कर रहा हूँ कि नहीं, यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, अगर हिट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बट अगर नहीं हिट होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये सब साइकोलॉजी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं जो मैंने वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया कैसे ट्रेड किया, क्योंकि मैं ट्रेंड लाइन प्लस वॉल्यूम दोनों देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ। एंड यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ट्रेंड लाइन के साथ साथ वॉल्यूम को हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, वॉल्यूम कब ज्यादा होता है कब ज्यादा नहीं होता। एंड आप लोग काफी लोगों ने ये सोच रखा होगा कि वॉल्यूम का मतलब ये नहीं होता कि रेड दिख गया कलर उसका मतलब कि सेल साइड वॉल्यूम ज्यादा है, ग्रीन दिख गया तो ऊपर साइड वॉल्यूम ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको काफी सारे मिथ होंगे जो आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने क्या सोचा होगा। यहाँ पर देखो आप सोचते हो कि ये ग्रीन है इसका मतलब बाई साइड वॉल्यूम ज्यादा है, ये रेड है सेलिंग साइड वॉल्यूम ज्यादा है, ऐसा वॉल्यूम नहीं चेक किया जाता, ठीक है। ये गलत नॉलेज है, मैं आपको सही नॉलेज बताता हूँ कैसे वॉल्यूम चेक किया जाता है। रेड ग्रीन से कभी ना कैंडल जज की जाती है ना कभी कोई वॉल्यूम चेक किया जाता है इंडिकेटर, मार्केट के बिहेवियर चेक किया जाता है, कैसी कैंडल बनी वो चेक किया जाता है। अब यहाँ पर देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कैसे। अब जो ये कैंडल है, चलो एक एग्जाम्पल मिल गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल गया। अब देखो मैं आपको कुछ यहाँ बताता हूँ, ये जो वॉल्यूम है ये जो आपको दिख रहा है वॉल्यूम ना कितना बड़ा ग्रीन है, यानी सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पर है। तो अगर आप कलर से जज करोगे तो आपको क्या पता लग पाएगा कि वॉल्यूम बाइंग साइड ज्यादा है क्योंकि ग्रीन है वॉल्यूम, बट कैंडल देखो इसने कैंडल कौन सी बनी है, कैंडल अगर मैं दिखाऊं तो कैंडल ये वाली बनी है, इसको हटा देते हैं। एंड अब देखो यही कैंडल थी ना, ये कैंडल, अब इसको ध्यान से देखो, ये जो कैंडल है आपकी ग्रीन कैंडल, तो आप अगर वॉल्यूम को रेड ग्रीन से चेक करोगे तो आपको पता लग पाया कि ये जो वॉल्यूम है बाइंग साइड ज्यादा है, बट कैंडल को देखो भले कैंडल रेड है, अभी मैं कैंडल के बारे में बताऊंगा अगले किसी सीरीज में, अगर चाहे तो कि कैंडल फॉर्मेशन कैसे होती है, कैंडल कैसे देखी जाती है, कौन बाइंग कैंडल है कौन सेलिंग कैंडल, कौन बियर कैंडल एंड बुलिश कैंडल है, क्योंकि बियर बुलिश कैंडल कभी भी हम लोग कलर से जज नहीं करते, जो कलर से जज करते हैं वो हमेशा लॉस में होते हैं। अगर यहाँ कलर देखोगे तो यहाँ पर आपको तो बुलिश लग रहा है कलर से देखोगे क्योंकि ग्रीन कैंडल है अभी काफी बड़ी कैंडल है, बट मार्केट यहाँ बेरिश है बुलिश नहीं है क्योंकि ये शूटिंग स्टार कैंडल बना है। अब मार्केट क्यों बेरिश है यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये आज का टॉपिक तो नहीं है बट चलो इसमें आ गया तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर कवर कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब ये ऐसे मार्केट ने फॉर्मेशन लिया, ऐसा कुछ फॉर्मेशन लिया, इसका मतलब क्या हुआ, पहले मार्केट गया ऊपर ऊपर बायर एक्टिव थे, फिर यहाँ पर कहीं सेलर एक्टिव हो गए काफी ज्यादा तो मार्केट को वापस ले आए एंड यहाँ पर क्लोज कर दिया, ऐसी कैंडल फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पूरे सेलर एक्टिव हैं एंड इतने में केवल बायर बचे हैं, यानी कि 50% से ज्यादा 60-70% सेलर हैं, तो यहाँ पर बाइंग कैसे हो सकता है, बुलिश कैंडल मार्केट कैसे हो सकता है, ये मार्केट सेलिंग प्रेशर में आ गया है क्योंकि यहाँ पर देखो पूरा यहाँ तक कैंडल नहीं है, केवल जहाँ पर केवल विक बनी है वो सेलिंग का पूरा है मार्केट, जहाँ पर केवल बॉडी वो बाइंग का। तो अगर कंपेयर करके देखोगे तो यहाँ पर सेलिंग साइड मार्केट ज्यादा है क्योंकि बॉडी कम है कंपेयर टू विक, ठीक है, तो सेल मार्केट इसलिए यहाँ पर मार्केट कितना नीचे आ गया। अब देखो इससे वॉल्यूम को क्या पता लगा कि वॉल्यूम तो बहुत है, यानी कि कोई ना कोई तो है, अच्छे खासे बड़े बड़े ट्रेडर यहाँ पर हैं, अगर ये मान सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर हैं क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब कि रिटेल ट्रेडर इतनी वॉल्यूम नहीं ले सकते, रिटेल ट्रेडर इतने बड़े बिटकॉइन या इथेरियम नहीं खरीद सकते, वो 1,000, 2,000, 10,000, 1,00,000, 20,00,000 कितना खरीदेंगे, यहाँ पर करोड़ों करोड़ों में जो खरीदता है वो रिटेल ट्रेडर नहीं होता, वो होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। अब इसमें यह पता लग गया वॉल्यूम से कि हाँ कोई ना कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आया है, अब किस साइड आया है वो हमें कैंडल से पता लग पाएगा, कैंडल बताती है कि नहीं सेलिंग प्रेशर है, यानी कि बड़े जो आए हैं इंस्टीट्यूशनल वो सेलिंग करने के लिए आए, इसलिए मार्केट क्या हुआ सेलिंग साइड गया, यहाँ से जहां से कैंडल बनी कि देखो कितना तेज मार्केट नीचे गया सेलिंग साइड, ये होता है वॉल्यूम ऐसे। और दूसरा देखो तरीका मैं आपको बताता हूँ वॉल्यूम देखने का क्या होता है, चलो बिटकॉइन में चलते हैं, इसमें ज्यादा हम लोग खिचड़ी नहीं करते क्योंकि ये मेरा ट्रेड चल रहा है तो फिर सब खराब हो जाएगा, तो यहाँ पर बिटकॉइन में समझ लेते हैं क्या होता है वॉल्यूम। एक चीज देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मार्केट नीचे जा रहा है ना, इतनी बड़ी कैंडल में रेड 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 कैंडल नीचे जा रहा है मार्केट, आपको क्या देखने से लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है। अब देखो अगर आप यहीं पर वॉल्यूम चेक करो, ये जो यहाँ से फॉर्मेशन यहाँ से वॉल्यूम स्टार्ट हुआ, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब कि मार्केट अभी नीचे साइड जाने वाला है। अभी तक इतना जो हिंट दिया है मार्केट ने यही हिंट दिया है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब कि सेलर बढ़ते जा रहे हैं सेलर बढ़ते जा रहे हैं सेलर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है, इसका मतलब सेलर हैं एंड कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कम ज्यादा ये आपको वॉल्यूम बताएगा कि नहीं यार सेलर हर बार बढ़ते जा रहा है, देखो मार्केट यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, तो वॉल्यूम को ऐसे जज किया जाता है। एंड यहाँ पर चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बायर का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि बायर बाइंग साइड मार्केट वीक है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर देखो वॉल्यूम का कितना मतलब होता है, आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट वॉल्यूम से मिल जाते हैं कि मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, चलो ठीक है आप कैंडल स्टिक से प्राइस
प्राइसिंग से जज कर लो, बट वैल्यूम से आपको पता लग जाएगा कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, यानी कि वाकई स्ट्रेंथ है कि नहीं। जैसे बोलते हैं वैल्यूम को स्ट्रेंथ बोल लेते हैं, कि मार्केट में वाकई दम है कि नहीं ऊपर जाने की नीचे जाने की, वो आपको वैल्यूम दिखाता है। अब जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, कितना बड़ा मूव आया मार्केट। अब यहाँ से देखो वॉल्यूम कितना तेज बढ़ता जा रहा है, मार्केट भी ऊपर जाता जा रहा है, वैल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि बाइंग तो हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े बड़े बाइंग होने, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर नहीं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, यहाँ पर बड़े बड़े जो भी होते हैं इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर है, क्योंकि वैल्यूम भी बढ़ रहा है, मार्केट भी ऊपर जा रहा है। तो जिस ट्रेंड में हो, चाहे बाइंग ट्रेंड में हो चाहे सेलिंग ट्रेंड में हो, अगर वैल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब कि मार्केट और जा सकता है बाइंग या फिर सेलिंग। अब इसके बाद क्या चेक करते हैं, मार्केट साइडवेज हो गया, इसका मतलब देखो वैल्यूम यहाँ पर खत्म हो गया ना वैल्यूम। अब चलो एक बार देख लेते हैं बाइंग का, कि ऊपर मार्केट जा रहा है बट वैल्यूम घटता जा रहा है। तो चलो फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं एक बार पीछे साइड करके कि वैल्यूम घटता जा रहा है एंड हाँ चलो मिल गया, यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो एक चीज सुनो, मार्केट ऊपर जा रहा है, बड़ी कैंडल बनी है ना ये, इसमें बहुत वैल्यूम था, ये जो बड़ी कैंडल बनी है शूटिंग स्टार, वैल्यूम तो था बट यहाँ पर इसने बता दिया पहली कैंडल ने वैल्यूम तो बहुत है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर इंटर हुए हैं बट बाइंग साइड नहीं सेलिंग साइड हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो कितना बड़ी कैंडल बनी है एंड वापस नीचे आ गई, बट ग्रीन कैंडल बनी है। तो आप सोचोगे चलो ग्रीन कैंडल बनती जा रही है, मार्केट तो ऊपर होता जा रहा है धीरे धीरे, देखो यहाँ पर अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो मार्केट ऊपर ही जा रहा है ना, बट वैल्यूम देखो घट रहा है, वैल्यूम घट रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट आ सकता है रिवर्सल, यहीं से रिवर्सल आ गया फिर मार्केट देखो कितना नीचे आ गया, आया कि नहीं, ऐसे वैल्यूम काम करता है। अब जैसे ये हो गया, वैल्यूम दिखाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है कि नहीं। अब जैसे ये हो गया, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अब यहाँ से देखो वैल्यूम घट रहा है ना, अगर इस कैंडल से देखें तो इस कैंडल से वैल्यूम घटता जा रहा है यहाँ तक, तो इस कैंडल से लेकर इस कैंडल के बीच में बात हो रही है, तो यहाँ से मार्केट तो ऊपर जा रहा है बट वैल्यूम नीचे होता जा रहा है, वैल्यूम कम होता जा रहा है मार्केट ऊपर होता जा रहा है, इसका मतलब कि मार्केट में बाइंग स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट सेलिंग साइड आना चाहता है एंड यहाँ पर फिर मार्केट ने फाइनली एक रेड कैंडल बनाई फिर मार्केट नीचे आ गया। तो ये मतलब होता है वैल्यूम का, ऐसे ट्रेल लाइन में ट्रेड करते हैं। अब सपोज करो कैसे ट्रेड करते हैं ट्रेल लाइन में, चलो देख लेते हैं ट्रेंड लाइन का एग्जांपल। चलो एक ये ट्रेंड लाइन मिल गई, बाय द वे मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था एंड मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट, सॉरी ये ट्रेड मिस हो गया था है ना, मैं ये ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि इसके पहले मेरा टारगेट हिट हो गया था, तो फिर मैं एक ट्रेड ही लेता हूँ एक दिन में, इससे ज्यादा नहीं लेता, तो ये फिर मिस ही हो गया। तो कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी तो हर बार मिलती है अगर नॉलेज होती तो। चलो ये हो गया, यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन एक बार दो बार, दो बार हो गया, तीसरी बार हो गया, फोर्थ टाइम हो गया, फाइनली फिफ्थ टाइम में मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर एंट्री हो गई, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया, जैसे मैंने इसके पार्ट वन में बता रखा है। अब यहाँ पर आपको क्या पता लग गया कि मार्केट जिसने ब्रेक किया इसमें वैल्यूम है कि नहीं, चेक करो टेल लाइन तो ब्रेक कर दिया, पार्ट वन तो खत्म जो मैंने टेल लाइन के ऊपर बताया था। अब यहाँ पर चेक करना है पार्ट थ्री, जो वैल्यूम के ऊपर मैंने बता रखा है कि वैल्यूम को कैसे मैसेज करते हैं। अब यहाँ पर देखो जो बाइंग साइड हम करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेल लाइन ब्रेक हुआ, पुल बैक लिया, या तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हो पुल बैक का, या फिर यहीं पर एंट्री ले सकते हो जो भी मानो है ना। बाकी मैं रिकमेंड करता हूँ कि पुल बैक का वेट करो, पुल बैक में एंट्री लो। तो अगर यहाँ एंट्री लोगे यहाँ पर वैल्यूम है, चलो यहाँ पर पहले देख लेते हैं जो ब्रेकआउट हुआ कैंडल का उसमें वैल्यूम है कि नहीं, वाकई बाइंग साइड मार्केट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कैंडल देखो तो कैंडल ना एक ना बाइंग साइड है ना सेलिंग साइड है, क्योंकि एक डॉजी टाइप की कैंडल है, विक ऊपर नीचे बराबर है, तो कैंडल से जस्ट नहीं कर सकते, वैल्यूम से जस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यूम से हमें क्या जस्ट करना है कि देखो जो मार्केट है ग्रीन कैंडल बना है एंड थोड़ा सा वैल्यूम इसमें ज्यादा है, थोड़ा सा काफी ज्यादा वैल्यूम है, इसका मतलब कि बाइंग साइड वैल्यूम है। कैंडल भी बता रही कि मार्केट बुलिश है, क्योंकि कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है प्लस मार्केट में जैसे ग्रीन कैंडल, अभी मैंने बताया कि ग्रीन रेड कैंडल से हमेशा बुलिश और बियर्स नहीं जस्ट किया था, बट यहाँ पर देखो जो ग्रीन कैंडल बनी है बुलिश साइड बनी है, यानी कि विक नीचे है, विक ज्यादा नीचे ऊपर के कंपेयर में। अगर यहाँ पर पूरा मैं आपको हटा दूं, यहाँ पर ध्यान से देखो कि विक कहाँ पर ऊपर ज्यादा है कि नीचे, यहाँ पर बताओ यहाँ पर आपको विक कहाँ पर ज्यादा लग रही है, नीचे साइड ज्यादा लग रही है, इसका मतलब कि बॉडी ऊपर ज्यादा है यानी कि बाइंग साइड है। एंड यहाँ पर आपने देख लिया बाइंग साइड मार्केट है, वैल्यूम भी ज्यादा है, इसका मतलब कि मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है। ब्रेकआउट हुआ हाई वैल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, अब क्या हुआ देखो यहाँ पर आपने एंट्री ले ली, चलो यहाँ पर एंट्री मान लो हो जाती है आपकी, कितना अच्छा प्रॉफिट हो जाता। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे टारगेट भी कर सकते हो कि वैल्यूम देखो वैल्यूम अगर बढ़ता जा रहा है तो मत एग्जिट करो, क्योंकि यहाँ पर देखो वैल्यूम बढ़ता जा रहा है, इसमें लगे एग्जिट करना ही नहीं है हमें, ठीक है। फाइनली फिर यहाँ पर जैसे देखो ऊपर गया मार्केट, वैल्यूम बढ़ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है वैल्यूम बढ़ रहा है, मार्केट नीचे आया चार पांच कैंडल में वैल्यूम घटा, इससे क्या मतलब मिला, इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो स्ट्रेंथ है, मार्केट नीचे जा रहा है तो स्ट्रेंथ नहीं है, भले मार्केट नीचे जा रहा है तो इसका मतलब कि अब हमें होल्ड करना है, क्योंकि अगर यही मार्केट नीचे आता और वैल्यूम बढ़ता तो हम लोगों को एग्जिट कर देना है, क्यों, क्योंकि भाई वैल्यूम बढ़ गया मतलब स्ट्रेंथ है मार्केट में नीचे जाने की, तो मार्केट नीचे जा सकता है अच्छा खासा। तो ये समझ, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझा दिया, बहुत बड़े बड़े एग्जांपल दे दिए एंड कुछ
लाइव ट्रेड भी दे दिया। एंड जो मैंने ट्रेड लिया है वो कुछ ऐसा ही ट्रेड लिया है, वैल्यूम के साथ ट्रेड लिया। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट दिया मार्केट ने यहाँ पर एंड हाई वैल्यूम के साथ दिया, ये देखो रेड कैंडल का। बाकी देखो ग्रीन कैंडल में वैल्यूम कितना कम है और रेड कैंडल में वैल्यूम ज्यादा है, ये आपको पता लग पाता है कि नहीं वैल्यूम के साथ ट्रेड करने में हमें कितना प्रॉफिट होता है। क्योंकि जहां पर स्ट्रेंथ होगी अगर उसी साइड ट्रेड करोगे तो बड़े बड़े प्रॉफिट मिलते हैं, ठीक है। अगर बिना वैल्यूम के ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट तो होंगे बट 1:1 साथ जाएंगे या फिर 1:2 भी जा सकते हैं, ऐसे नहीं कि बिना वैल्यूम के साथ 1:2 नहीं जाएंगे, जाएंगे बट वैल्यूम के साथ ट्रेड करोगे तो बड़े बड़े यानी कि 1:2 से भी ज्यादा जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ है मार्केट में। अगर स्ट्रेंथ है तो मार्केट जाएगा उसी साइड। अगर ये वीडियो आपको वाकई पसंद आया हो, पार्ट 3 सीरीज है, तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड अगर दिल से चाहते हो तो स्टेटस में शेयर कर दो। देखो मार्केटिंग नहीं है, माइक टाइप की मार्केटिंग भी है, क्योंकि यार मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो एक पेड प्रोग्राम है, क्योंकि काफी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते यार पेड प्रोग्राम। यहाँ पर मैंने यूट्यूब में पूरा फ्री रखा है एंड बहुत बड़े बड़े वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पूरा डिटेल में समझा सकूं एंड पूरा नॉलेज हो सके। आपको कोई पेड प्रोग्राम लेने की जरूरत नहीं पड़े, अगर यहीं से प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो प्रॉफिट बन सकता है आपका, अगर यहीं समझो, क्योंकि यहाँ पर पूरा मैंने नॉलेज दे दिया है। तो अगर दिल से लगता है कि नहीं शेयर करना है तो अपने इंस्टाग्राम शेयर कर दो एंड टैग कर देना कि कितने लोग शेयर कर रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम की, कि अब हम लोग अब एक थोड़ा सा एडवांस चला गया, ठीक है, ये आज का एडवांस सेशन था, और थोड़ा सा एडवांस चलेंगे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम, ठीक है। अब इसमें हम उसमें क्या समझेंगे, ट्रेंड लाइन पहले समझा, फिर आज हमने सीखा कि वैल्यू, अगले वाले सेशन में हम लोग सीखेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम MTF, यानी कि अब हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम प्लस ट्रेंड लाइन प्लस वैल्यू के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एंड ये समझ लो एडवांस टॉपिक होने वाला है। तो तब तक बने रहें, सी यू गाइस, मिलते हैं।